हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एचटीएमएल के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम एचटीएमएल की कोडिंग को कर सकते हैं। एचटीएमएल की जो फुल फॉर्म है वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक तरह की लैंग्वेज होती है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है। तो आज की इस वीडियो में हम एचटीएमएल के बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो अगर आप एचटीएमएल के बारे में जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम नोटपैड से स्टार्ट करेंगे, और नोटपैड हमारे हर विंडो में ही बाय डिफॉल्ट जो है वो अवेलेबल होता है। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए अपने विंडो में आके नोटपैड को टाइप कीजिए और इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद हमारा जो नोटपैड है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो सबसे पहले तो अपनी फाइल को सेव कीजिए। तो सेव करने के लिए फाइल में आइए। फाइल में आने के बाद सेव एज कीजिए। सेव एज करने के बाद अब देखिए, जहाँ पर भी चाहते हैं अपनी फाइल को सेव करना तो वहाँ पे अपनी फाइल का जो है नेम दे दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नेम दे देती हूँ, index.html। अभी जो मैंने HTML लिखा हुआ है, ये HTML जो लिखा है वो मैंने इसलिए एक्सटेंशन है। अब जब भी अपने कोई फाइल को सेव करें उसके नेम के साथ डॉट लगा के HTML ज़रूर लिखें, ये इसकी एक्सटेंशन कहलाती है। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। तो HTML शुरू करने से पहले जो हम टैग लगाएंगे वो है HTML का टैग। तो हम HTML के टैग को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम एक और टैग ओपन करेंगे, वो है हेड का टैग। हेड जो हमारे वेब पेज के सबसे ऊपर शो होता है। तो उसके बाद हम इसको अगेन इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम एक टाइटल का टैग ओपन करेंगे। टाइटल जो है हमारे वेब पेज के जो है वो ऊपर, बिल्कुल ऊपर शो होता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं कोई भी नेम दे देती हूँ, जैसे कि मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद अब यहाँ पे एक बात याद रखिए कि HTML में हमारा जो एक टैग होता है वो ओपन टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। अब जो क्लोजिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग की जो हमारी पहचान होती है वो यही स्लैश के साथ होती है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने टाइटल के टैग को ओपन किया है। ओपन करने के बाद जब मैंने इस टाइटल के टैग को क्लोज किया है तो यहाँ पर मैंने स्लैश लगाया, तो ये हमारा क्लोजिंग टैग बन गया। अब देखिए, इस टाइटल के बाद मैं यहाँ पर इंटर करती हूँ। इंटर करने के बाद ये जो मैंने हेड के टैग को ओपन किया है, अब इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। तो क्लोज किस तरह से करूँगी, मैं यहाँ पे स्लैश लगा के यहाँ पे हेड को मैं क्लोज कर दूँगी। इस तरह से हमारा हेड का टैग भी क्लोज हो गया। उसके बाद जो हमारा मेन टैग होता है वो है बॉडी। अब हम जो बॉडी का टैग ओपन करेंगे, इसको करेंगे, बॉडी को करेंगे हम क्लोज। क्लोज करने के बाद अब देखिए, हम इस बॉडी के अंदर, अब इस बॉडी के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे या कोई भी हेडिंग लिखेंगे वो इस बॉडी के अंदर ही लिखेंगे जो हमारे वेब पेज में शो होगा। तो अब इस बॉडी के बाद ये जो मैंने ऊपर HTML का टैग जो ओपन किया हुआ है, इसको हम कर देंगे ताकि लास्ट में क्लोज बॉडी के बाद। तो हम इस HTML को भी क्लोज कर देते हैं टैग को, और इसको करते हैं हम सेव। सेव करने के बाद अब हम इसे गूगल पर जाकर रिफ्रेश करके देखते हैं किस तरह से दिख रहा है। वैसे तो अभी हमने इस बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो सिंपल सा जो है ऊपर ब्राउज़र में जो है सिर्फ ये दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज यही शो होगा। तो चलिए चलते हैं, ज़रा देखते हैं गूगल पे। तो देखिए, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो है मैंने अपनी फाइल को सेव किया हुआ था index.html के नेम से। तो यहाँ पे देखिए हमारी फाइल जो यहाँ पे शो हो रही है, तो इसको हम करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद देखिए, हमें जो टाइटल में लिखा हुआ था दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, तो यहाँ पे ये टाइटल यहाँ पे शो हो गया। तो अब हम बॉडी के अंदर जो भी कॉन्टेंट लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा। तो चलिए, अब हम बॉडी के अंदर कोई पैराग्राफ या कोई हेडिंग वगैरह ले लेते हैं। देखिए, अगर आप अपने वेब पेज पे कोई टैग्स लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने सबसे पहले अपनी बॉडी में आएंगे। बॉडी में आने के बाद यहाँ पे आप एक टैग ओपन करेंगे, वो है पी का टैग। पी के टैग को ओपन करने के बाद जाहिर सी बात है हम उसको क्लोज भी करेंगे। क्लोज करने के बाद अब हम जो भी टैग्स लिखना चाहते हैं वो इस पी के टैग के अंदर ही लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ एजुकेशन इज बेटर देन मनी। इसको अगर मैं सेव करूं, सेव करने के बाद अगर मैं आपको गूगल पर रिफ्रेश करके दिखाऊं, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए हमारा जो टैग है वो यहाँ पे शो हो गया। इसलिए अगर आपको जो भी टैग लिखना हो तो वो आप पी के ही टैग के अंदर लिखेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई हेडिंग लिखना चाहते हैं तो HTML के अंदर जो है वो 6 हेडिंग्स होती हैं। तो चलिए, अब हम 6 हेडिंग्स को क्रिएट करके देखते हैं। तो आते हैं अपने नोट पैड पर। नोट पैड पर आने के बाद हम इस पैराग्राफ के बाद ही HTML की जो 6 हेडिंग्स होती है उसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम H1 की हेडिंग लिखेंगे और इसको क्लोज करेंगे। H1 को क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड। वर्ल्ड
वर्ड लिखने के बाद इस पूरे को मैं करती हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको मैं करती हूँ पेस्ट, पेस्ट करने के बाद इसको मैं 6 टाइम पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद ये जो हमारा जो हेडिंग है, हेडिंग के हम जो है वो चेंज कर देंगे नेम, H1 हेडिंग, H2, H3 हेडिंग, क्योंकि HTML के अंदर जो हेडिंग्स होती है वो हमारी हेडिंग्स होती है वो 6 हेडिंग्स होती हैं, तो हम सबको जो है वो 6 हेडिंग तक कर देंगे। जैसे कि अभी मैंने 4 कर दिया, 4 करने के बाद इसको 5 करेंगे, 5 करने के बाद यहाँ पे हम जो लास्ट वाला है उसको करेंगे 6, 6 करने के बाद इसको हम करेंगे सेव। सेव किया, सेव करने के बाद अब देखिए HTML की जो है वो 6 हेडिंग्स होती है। अब ये किस तरह से शो होती है, तो आते हैं अपने गूगल पे, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए हमारी जो HTML की हेडिंग है वो कुछ इस तरह से शो होती है। जो हमारी H1 की जो हेडिंग होती है वो सबसे लार्ज हेडिंग होती है, उसके बाद जो H2 की हेडिंग होती है वो उससे थोड़ी स्मॉल होती है। इस तरह से सारी हेडिंग्स शो होती है, और जो सबसे H6 की जो हेडिंग होती है वो सबसे स्मॉल हेडिंग्स होती है। तो इस तरह से जो है HTML की 6 हेडिंग्स शो होती है। अगर इसके अलावा अगर आप H7 लिखे टेक्स्ट को चेक करेंगे तो वहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि HTML में जो है वो 6 हेडिंग्स ही होती है। तो इस तरह से जो है वो HTML के स्ट्रक्चर को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। जो होता है हमारा पूरा HTML का स्ट्रक्चर होता है, और इस बॉडी के अंदर जो हम लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था पैराग्राफ लिखा था और हमने यहाँ पे हेडिंग्स लिखी थी, तो इस तरह से ये HTML की स्ट्रक्चर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट हर जब भी हम कोई पेज क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हमें ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। और इस बॉडी के अंदर जो भी आप कंटेंट वगैरह कुछ भी देना चाहते हैं वो आप इजीली दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।